तो यार फाइनली बहुत दिनों बाद एक हॉरर मूवी देखने का मौका मिला है, जिसे डायरेक्ट किया है और लिखा है जेम्स वॉन ने, जिसका नाम ही काफी है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 51 मिनट्स की, और ये थिएटर्स में रिलीज हुई है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में, और ये साथ साथ HBO मैक्स पर भी देखने को मिलती है। अब वो कैसे देखने को मिलती है वो तो आप लोगों को पता है। खैर मूवी के प्लॉट फोकस करता है मेडिसिन, जो कि मैरिड है डेरेक के साथ। मेडिसिन का कई बार मिसकैरेज हुआ है, लेकिन फाइनली अब ये दोबारा से प्रेग्नेंट है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब इसका एब्यूसिव हस्बैंड डेरिक, यानी कि ये बहुत ही हरामी हस्बैंड होता है, इसकी हो जाती है डेथ। अब ये डेथ कैसे होती है, फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, मेडिसिन के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जो कि मैं एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर मूवी है। आप लोग जो एक्सपेक्ट करके जाओगे जेम्स वॉन की प्रीवियस मूवीज को लेकर, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल तो होगी, लेकिन बहुत ही डिफरेंट वे में होगी। तो ऐसा मत सोचना कि हमको वही सारी टिपिकल हॉरर मूवीज देखने को मिलेगी जो हमने इससे पहले देखा। ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना और ओपन माइंड से जाना, तो उसके बाद आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप लोग एक नैरो माइंड से जाओगे और वही सारी चीजें एक्सपेक्ट करोगे जो हमने इससे पहले बहुत बार देखी है, तो फिर ये मूवी आपको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि स्टार्टिंग की जो 15 मिनट है वो ऐसा लगता है कि यार ये फिर से वही टिपिकल हॉरर मूवी है यार, लेकिन जैसे ही 20 मिनट पार होता है उसके बाद जो जो चीजें होती है ना, वो एक अलग लेवल पर इस मूवी को लेके जाती है। उसके अलावा इस मूवी की कुछ जो मेन जान है वो मैं आपको बता दूं, वो है एक्टर्स का परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, राइटिंग एंड VFX। खैर अगर मूवी के कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन जितने भी है, स्पेशली जो मेडिसिन का कैरेक्टर है, उसको इतना तो अच्छी तरह से लिखा है कि हम लोग इजिली उस बंदी से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको भी मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। मूवी की सिनेमेटोग्राफी हाईलाइट है भाई। एक सीन है जहां पर जो मेडिसिन है वो बंदी बैठी रहती है, उसके आजू बाजू जो चीजें बदलती है, जो VFX के थ्रू वो लोग ने वो समा बांधा है ना, वो मुझे पर्सनली हाईलाइट लगा। और वैसे सीन्स आपको 2-3 बार इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मूवी में जो वॉयलेंस बताया, जिस लेवल का वॉयलेंस बताया ना, मतलब वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक हॉरर मूवी है, लेकिन हॉरर प्लस जो वॉयलेंस डाला, जो ब्लडशेड डाला है ना, वो मैं देख कर मतलब हैरान हो गया था। और बहुत सारे ऐसे सीन है जो आपको एकदम एकदम अजीब वाली फीलिंग होती है जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे। तो जैसे कि मैंने कहा VFX तो इसका टॉप क्लास का है। BGM अगेन गूज़बम्स आ रहे थे भाई इसका BGM सुनकर, और वो दो लाइटिंग का यूज किया उसके साथ, और वो जो सीन में जो इम्पैक्ट डाल रहा था ना वो BGM, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या लेवल है इस पर्टिकुलर मूवी का। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई एनाबेल वैलिस, जिसने यहाँ पर मेडिसिन का रोल प्ले किया, वो बंदी ने क्या परफॉर्मेंस किया, क्या परफॉर्मेंस किया। इतना चैलेंजिंग रोल था और उसने जिस तरह से उसको निभाया ना, पूरी मूवी में आप उसकी तारीफ करते हो नहीं ठोकोगे। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जेम्स वॉन ने फिर से कुछ अलग हटके करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूवी की सीरीज को भी वो आगे डेफिनेटली बढ़ाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा खासा स्कोप है। राइटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और एडिटिंग भी इस मूवी की ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा इस मूवी को खींचने की कोशिश नहीं की। कब शुरू होती है कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में अश्लील सीन्स कुछ नहीं है, लेकिन जो वॉयलेंस है वो अलग ही लेवल पे जाता है भाई। तो उस वजह से आप लोग सिर्फ एडल्ट लोग ही जाके देख सकते हैं, मतलब 18+ ही मूवी है ये, बच्चे लोग के लिए नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनिंग हॉरर मूवी। अगर आके देखना है तो देखो, मेरी बात पे विश्वास है। तो अगर नहीं देखना है तो तुम लोग को जो करना है कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइन ऑफ।